कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. डॉक्टर एस के शुक्ला सिरकॉट से जुड़े हैं, सीनियर साइंटिस्ट है. शुक्ला जी प्लीज बताइए कि कॉटन में पैरामीटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और टेक्निकली क्या क्या हमें करना चाहिए इन पैरामीटर्स को बचाने के लिए और अच्छे भाव लेने के लिए. शुक्ला जी अपने आपको अनम्यूट करिए. शुक्ला जी सर एक बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन किया राघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे. जी बताइए. वन मिनट. मुझे लगता है प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है. राजेंद्र जी जरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिया ना आपने, तो इसको फिर हाईलाइट कर दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए. मैं इधर से बड़ा करूँ? हाँ दिख रहा है ना? दिख रहा है. हाँ कभी कभी अभी आगे बढ़ रहा है ना? हाँ बढ़ रहा है. बढ़ रहा है, ठीक है. तो मैं शुरुआत करता हूँ कि किस तरह से जो है कॉटन की मार्केटिंग सीसीआई को करना है. तो सीसीआई को क्वालिटी क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह की क्वालिटी मेंटेन करके हम लोग हमी भाव प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा. मैं डॉक्टर एस के शुक्ला, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफिसर इंचार्ज, जो अपने यहाँ भारत में एक ही जीनिंग ट्रेनिंग सेंटर है नागपुर में, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है जी, वहां से बोल रहा हूँ. तो सबसे पहले कि जो कॉटन की क्वालिटी पैरामीटर्स रहते हैं, क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर हैं जो डिसाइड करते हैं कि कॉटन का क्या भाव और क्वालिटी रहेगी, उसमें जो तीन चार पांच पैरामीटर जो मुख्य हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है कलर पे ध्यान दिया जाता है, लगभग 30%. उसका शायद कारण यह है कि जो आदमी जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे ज्यादा कलर को पसंद करता है. पहले दिखने में कलर ही आता है, बात तो सही है. हम लोग तो साफ सफाई पे ध्यान दिया जाता है, लगभग 3% वेटेज रहता है. इतना ही मिलता जुलता वेटेज लगभग जो है आपका फाइनेस है, माइक्रोनायर का रहता है. लेंथ का चौथे नंबर पे रहता है और स्ट्रेंथ का जो रहता है, उसकी जो ताकत रहती है फाइबर का, उसको वेटेज कम दिया जाता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट पैरामीटर है. लेकिन ये देखा जाता है कि ये सारे पैरामीटर अगर सही है तो वो भी सही रहेगा. इसके अलावा जो और मेन चीज है कि कॉटन में मॉइस्चर देखा जाता है, मॉइस्चर पर का क्या माप है, कॉटन में कौड़ी की मात्रा कितनी है, कौड़ी मतलब उसमें जो कीड़े वगैरह का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है. इसके अलावा जीनिंग परसेंटेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. जो साफ सफाई बात किया, उसमें दो चीजें आती हैं. साफ सफाई अगर नहीं है, एक तो ट्रेस हो सकता है, दूसरा कॉन्टामिनेशन. दोनों हम आगे चल के इनको थोड़ा विस्तार में डिस्कस करेंगे. और भारत के कपास में एक और बड़ी समस्या है कि हम लोग बहुत सारी वेराइटी उत्पादन करते हैं, तो मिक्सिंग एक भी एक समस्या है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे. तो अगर देखा जाए तो अगर भारत में हम लोग अभी तक केवल 4 ग्रेड पे बात करते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, चाहे सीसीआई है, चाहे फेडरेशन है, वो देखते हैं कि ग्रेड में जो है आपका सुपर है कि एफएक्यू है कि फेयर है कि कौड़ी है, 4 ही ग्रेड है. तो जो अपने यहाँ एमएसपी है वो एफएक्यू ग्रेड के लिए. तो सुपर ग्रेड क्या रहता है, उसमें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कचरा नहीं रहे, 1% भी बिल्कुल एलोनेस नहीं रहे. तो इंडिया में सुपर लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिन क्लीनर वगैरह या प्री क्लीनर कम मात्रा में यूज किए जाते हैं. एफएक्यू बड़े आराम से आ सकता है. एफएक्यू में यह है कि स्लाइट ट्रेस रह सकता है, लेकिन उसमें पीलापन नहीं. आपके पीलापन सिग्निफिकेंट रहता है. औड़ी में एकदम लास्ट पिकिंग कॉटन रहता है, मोस्टली इन्फेस्टेड कॉटन रहते हैं. अगर इनको रुई देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखता है, सुपर एकदम चांगली, जैसे मराठी में बोलते हैं चांगली रुई है, चांगली भाव मिलने चाहिए. एफएक्यू में हल्का सा ट्रेस आ जाता है, फेयर में थोड़ा डल रहता है, और कौड़ी में तो काफी लास्ट पिकिंग वाला लास्ट मटेरियल या इन्फेस्टेड मटेरियल है. अगर हम लोग
फॉरेन में देखें तो वहां पे लगभग 31 ग्रेड मेंटेन होते हैं। अब मैं इजिप्ट में गया था, वहां का जो ग्रेडिंग बॉक्सेस है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि जो वहाँ के फेयर वगैरह है इतना बहुत अच्छा क्वालिटी का वो लोग मेंटेन करते हैं, शायद इसीलिए इजिप्शियन कॉटन अच्छे क्वालिटी में बिकता है, अच्छे भाव में बिकता है जी। और अगर हम लोग मिल का रिक्वायरमेंट थोड़ा डिस्कस करें कि आज जो स्पिनिंग मिल की रिक्वायरमेंट है 28 प्लस का ही है, तो ज्यादातर जितना 98% 95% जो रिक्वायरमेंट है मोर देन 28 प्लस का है। और जब हम लोग MSP की बात करते हैं 2021 के, जैसे आपने बताया, तो उसमें जो CCI महाराष्ट्र में प्रोक्योरमेंट करता है मोस्टली ये 5 कैटेगरी में मैंने देखा है। जो हमारे पास जो टेस्टिंग सैंपल्स आते हैं, सबसे पहले तो BB मोड वो लोग बोलते हैं, बन्नी ब्रह्मा, उसमें लेंथ के रिक्वायरमेंट 29.5 टू 30.5 है, माइक जो है 3.5 से 4.25 के बीच में रहता है, इसका 5835 है। इसी तरीके से उनके मैं क्विकली बताना चाहेंगे 25 है, थोड़ा मिस्टेक है, 25 है, बर्नी ब्रह्मा स्पेशल है और H4 है, LRA Y1, ये चार कैटेगरी में है। LRA Y1 जो है जलगांव वगैरह में जो वैरायटी होती है वहां पे स्पेशल प्रोक्योरमेंट में आता है वो। LRA इस बार काफी प्रोक्योर किया लास्ट में, क्योंकि इसमें लेंथ थोड़ा डिफरेंस बहुत कम, तो हार्डली जो है आपका 190 रुपीस का ही फर्क है। इसमें जो मेजर चीज देखा जाता है कि मॉइस्चर 8 से 12% पे रहना चाहिए। अगर ये देखा जाए कि मॉइस्चर पहले क्या होता था, मैं आगे चर्चा करूंगा, इसे ये क्विकली देख लेते हैं। लॉन्ग स्टेपल में एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका माइक इस रेंज से बाहर है 3.5 और 4.3 से, तो 25 रुपए कुंटल जो है कम किया जाएगा एवरी 0.2 माइक के लिए। माइक अगर 3 से कम है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपका और दूसरे कॉटन है मीडियम स्टेपल वाले, तो 15 रुपए कुंटल कम होगा अगर माइक जो है 3.8 से कम है या 5.8 से ज्यादा है। और इस पे 30 रुपए कुंटल जो है प्रीमियम मिलेगा अगर माइक जो है 3.8 टू 4.4 की 2 के बीच में है। और CCI क्या करती है, जैसे कॉटन कोई आता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि येलो पिकिंग मटेरियल है कि नहीं। येलो पिकिंग मतलब रेन डैमेज है, मॉइस्चर कारण या पेस्ट पैक है। उनका रिक्वायरमेंट क्या है कि केवल एकदम वाइट कॉटन अनडैमेज हो और जिसमें लीफ वगैरह कम हो, ऐसे ही कॉटन को परचेज करते हैं। और मॉइस्चर वो लोग 7 से 8 लोकेशन पे चेक करते हैं। मॉइस्चर अगर जो है एवरेज लिया जाता है, अगर 12% से ज्यादा है तो रिजेक्ट कर देते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जैसे किसान को भाइयों को नहीं समझता है, कई बार लोगों ने बताया कि हमको कैसे पता चलेगा कि मॉइस्चर ज्यादा है या कम है, तो उसका बहुत ही आसान पहचान है कि अगर जो है आपके कॉटन में जो सीड रहता है, सीड एक्चुअल रिप्रेजेंट करता है कि मॉइस्चर कितना है। अगर सीड आपका नरम है, दांत से कट करने में अगर कट की आवाज आ रही है, जैसे चना जो है सभी को गीला भिगा करके खाने की आदत है, तो सबको पता है कि गीला है, उसी तरीके से मॉइस्चर आज का कॉटन आप देखेंगे तो 25% तक मॉइस्चर है सीड। अगर उसको एज सच मार्केट में लाया जाए तो उसको शायद CCI हैंडल नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करना है कि किसान भाइयों को मॉइस्चर भी बहुत ध्यान देना है। तो आगे हमें मॉइस्चर पे और देखता हूँ कि किस तरीके से मॉइस्चर लोग करते हैं। पहले अगर देखा जाए तो क्या करते थे किसानों का एक टेंडेंसी थी कि हमारा मटेरियल हल्का से सूखा हो जाएगा तो इसका वेट कम होगा और हमको भाव कम मिलेगा इसका, क्योंकि ज्यादातर जिनिंग फैक्ट्री वाले सूखे कपास का प्रीमियम नहीं देते थे लेकिन गीले का वो कट कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं, CCI का जो MSP है बहुत ही उन्होंने एक तरीके से ऑब्जेक्टिव करके रखा है। मॉइस्चर मीटर से देखते हैं, मॉइस्चर ज्यादा है तो रिजेक्ट होगा, कम है अगर 8% से कम है तो उसको प्रीमियम भी देना है। अगर जो है हम किसान भाइयों से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस भी कपास जो भी कपास है आप बिल्कुल भी गीला मत रखिए। अगर आप गीला रखेंगे तो इससे क्या होगा, उसका क्वालिटी खराब होगा, उसका कलर खराब होगा। एक बार किसी का कलर खराब हो गया तो कॉटन का तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो फेयर में चला जाएगा।
और इसके बाद उसको मार्केट में कोई भाव नहीं आने वाला है, फिर सीसीआई वाले परेशान होंगे अगर खरीदने के बाद। इसके साथ साथ में क्या होता है, अगर गीला खरीदा तो उससे क्या होता है, सीसीआई को काफी ज्यादा जो है एक तरीके से स्टोरेज लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि 12% ज्यादा दिखा नहीं सकते हैं। अगर 15% 17% लिए तो उनको 3% 4% घटाएगा और फिर वो जीनिंग फैक्ट्री के ऊपर कटेगा, जीनिंग फैक्ट्री वाला चिल्लाएगा। तो किसान भाइयों की जो एक समस्या रहती है कि भाई हमारा सीसीआई माल नहीं ले रहा है, तो गीला माल वो शायद नहीं ले सकते। और एक भी चीज है कि अगर उनके सीड में आपका गीला माल है, सीड हीटेड हो जाता है, हीटेड होने के बाद में सीड एकदम खराब हो जाता है, ऑयल मिल भी नहीं लेती है। और करते हैं इस मॉइस्चर को तो उसमें कट सीड भी आता है, उनकी बियरिंग फेल हो जाती है, जीनिंग मशीन की प्रोडक्टिविटी कम आता है। तो हमेशा ये क्या करना है, किसान भाइयों को चेक करना है कि ले जाने के पहले कि हमारा सीड सूखा है क्या, तभी ले जाइए, नहीं मत ले जाइए, नहीं तो आपको फिर नुकसान हो जाएगा, ले जाने के भाड़ा और मेंटल टेंशन और होगा। अगर आप देखना चाहेंगे कि गीले रुई और जो है सूखे कपास अगर जीनिंग करेंगे तो किस तरीके से रुई आती है, आप देखेंगे सूखा कपास एकदम वाइट जीनिंग आती है और गीला जीनिंग करेंगे तो एकदम पीला आ जाता है, कट सीड बहुत ज्यादा आता है इसमें। इसके बाद अगर हम लोग लेंथ पे जाते हैं, जैसे 4-5 कैटेगरी मैंने बताया है, तो ये देखा जाए कि महाराष्ट्र में जो कपास है ज्यादातर वो जो है लॉन्ग स्टेपल कॉटन का है, 90% लॉन्ग स्टेपल कॉटन है। शुरू में क्या करते हैं लोग, कोशिश करते हैं कि बेबी मोड में लिया जाए, इसके बाद थोड़ा कम करते आते हैं, H4 करते हैं, वो थोड़ा कमर्शियल उनका रिस्क कम रहता है। तो अगर H4 में भी लेते हैं तो ज्यादा उनको कोई नुकसान नहीं है, 150-60 रुपए का ही फर्क है, लेकिन जिनर जिन फार्मर हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए कि हमारे कपास के लेंथ कैसे है। तो आप जो है बड़े, मैं एक उनको एक थंब रूल सिखाता हूँ कि अगर आपका जो कॉटन सीड है वो अगर उसकी साइज जो है ठीक ठाक है, जैसे देख जैसे होता है ना कि सीड अगर साइज एक छोटा हो गया, एक मीडियम हो गया, एक बड़ा हो गया, तो जितना आपका कॉटन सीड का साइज ठीक ठाक होगा उतना ही लेंथ रहेगा। ज्यादातर वैरायटी जितनी भी हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं राशि वगैरह में जाऊंगा तो ज्यादातर उनके कॉटन 30+ है, बहुत ही कम कॉटन है जो मोस्टली जो है जो अर्ली मेच्योरिंग वेराइटीज है, जैसे अजीत हो गया या जो है बायर का फर्स्ट क्लास हो गया, उनका लेंथ 28+ या 29 है, बाकी सब 30+ है। तो फार्मर को देखना चाहिए कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे यहाँ कभी आते हैं तो हम लोग खा सकते हैं किस तरह से करना है। और नेक्स्ट जो रहता है माइक थोड़ा किसानों को समझने के लिए मुश्किल चीज है कि किस तरीके से उनको समझाया जाए। माइक से एक्चुअली देखते क्या है कि कपास में उसका मेच्योरिटी कितना है और फाइननेस कितना है। तो माइक जो देखा जाए प्रीमियम रेंज रिक्वायरमेंट 3.7 to 4.2 के आसपास रहता है। अगर कम ज्यादा हुआ तो इससे क्या होगा कि स्पिनिंग में काउंट का नुकसान होता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं एक सिंपल बताता हूँ कि अगर उनका फर्स्ट सेकेंड इवन थर्ड पिकिंग का कॉटन है तो माइक का कोई इशू नहीं रहेगा, अगर जो है सूखा नहीं पड़ा है तो। अगर जो है सूखा पड़ गया तो माइक का दिक्कत जाएगी, अदरवाइज माइक का कोई इशू नहीं है। तो किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है कि अपना हर पिकिंग फर्स्ट सेकंड को एक साथ रख लो, इवन थर्ड को रख लो, लास्ट पिकिंग को कृपया मिक्स मत करो। नहीं तो क्या होता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, घोड़े और गधे को एक साथ मिला दिया तो ना घोड़ा रहा ना गधा रहा, खच्चर बन जाता है। इसलिए कोशिश से करना चाहिए कि एक जो है हम फेयर मार्केटिंग करें जिससे हमको प्राइस मिले, और आगे चल के देखिए प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट या प्राइवेट जीनर को फायदा होगा तो जरूर फार्मर तक पासान होगा। और अगर जो है माइक के कारण आपका भाव कम हो रहा है या कट रहा है तो किसान भाइयों को उनको प्रेस करने की जरूरत है, स्पिनिंग सीसीआई वालों को, कि आप माइक हमको मेजरमेंट करा के दिखिए। जो सीसीआई का नॉर्म है उसमें क्या करना है कि 30 ग्राम कपास को लैब मॉडल जीनिंग जो हमारे इंस्टीट्यूट में उसको 30 ग्राम कपास को जिन करना है, आपका 10 से 11 ग्राम जो रुई बनेगी उसको आप मॉइस्चर मीटर में टेस्ट करिए। बहुत ही आसान मेथड है, उससे तुरंत आपको डिजिटल डिस्प्ले आ जाएगा कि आपका माइक कितना है। इसमें आपको कोई जो है बेवकूफ नहीं बना सकता, मेरे कहने का मतलब। सही बात है, ये बहुत जरूरी है।
कि अगर आप कहीं भी जाइए जैसे चल रहा है उसी तरीके से हम लोग अगर स्पिनिंग मिल में जाते हैं तो किसी से पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या समस्या है भारतीय कपास से, तो सभी बोलते हैं कॉन्टामिनेशन ही एक समस्या सर और कोई समस्या नहीं। तो उसमें मैं स्पिनिंग मिल में जाके देखता हूँ कि इस तरीके के हमने एक्चुअल फोटोज ये सब देखे हैं कि क्या क्या उसमें मिक्स हो जाता है। एक आपको कपड़ा जो रहता है हमारे घर में जो फटा पुराना रहता है उसका कॉटन मिक्स हो जाता है, व्हाइट और कलर जो प्लास्टिक के पीस रहते हैं मिक्स हो जाते हैं, आदमी के और जानवरों के बाल मिक्स हो जाते हैं, जो हम लोग सैक्रेट थ्रेड बांधते हैं धार्मिक रक्षा बांधते हैं मौली वो भी जाकर के उसी में कॉटन में मिक्स हो जाता है, जानवर बांधने के जो हमारे रस्सियां रहते हुए मिक्स हो जाती है, बोल्ट नट जो रहते हैं वो भी मिलते हैं उसमें, और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो मिलता है गुटका का पाउच, गुटका हो गया, बिक्स हो गया, पार्ले जी हो गया, जितने भी रैपर हैं वो सारे कॉटन में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। तो हर एक को ध्यान देने की जरूरत है, इवन सीसीआई को भी ध्यान देना है, जीनर को भी ध्यान देना है कि हर एक लेवल पे चीजें मिक्स नहीं हो, और आपको एक अच्छा सा वहाँ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है। और जितने भी आते हैं जहां मैं देखा हूँ जीनिंग फैक्ट्री में जब भी जाता हूँ मैं जेब में निकाल निकाल के डालने लगता हूँ, कहीं भी हवा आई आंधी आई तो कम से कम हजारों प्लालीथीन आके मिक्स हो जाती है। एक बेल में मुश्किल से 2 से 3 ग्राम होता है लेकिन उसका प्रभाव जो रहता है समझ लीजिए सांप के विष की तरह है, थोड़ा सा गया तो पूरा कपास खराब। और कभी कभी किसान हमारे पास हमेशा आते हैं कि मैं छोटा जीनिंग फैक्ट्री डालूं तो कैसा रहेगा, फायदा होगा कि नहीं। मैं हमेशा जो है इसके थोड़ा से अपोज में रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर दस बेल पर आवर कैपेसिटी का है तभी आप 648 ईआरजीन गुजार रहे हैं, उनका प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना कम आता है कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप किसी को जीनिंग फैक्ट्री डालना है तो बहुत छोटे पे जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। और बस मैं अपना कंक्लूड करूंगा, लगता है 15 मिनट हो गया मेरा, तो मैं ये बताऊंगा कि जो है कंक्लूजन क्या है कि आपको जो पिकिंग करते समय ध्यान देना है कि आपका कपास ओला नहीं है तभी पिकिंग करिए, नहीं बाद में सुखाना बहुत मुश्किल जाएगा। और फार्मर को कोशिश करना है कि जो ज्यादा गीला कपास है उसको सुखा करके स्टोर करें, और किसी भी कंडीशन में कपास में पानी नहीं मारें। अगर आपका सूखा है तो सीसीआई उसको ज्यादा भाव देने को तैयार है, और जितने भी सीसीआई ग्रेडर्स हैं उनको एक जरूरत है कि ऑब्जेक्टिवली असेस करें, ऐसा ब्लाइंडली नहीं करें, माइक भी देखें, मॉइस्चर भी प्रॉपरली देखें, हर चीज देख करके। फार्मर को कभी ऐसा नहीं होता, हमारे पास कभी किसान आते हैं तो बोलते हैं साहब व्यापारी को ले लेते हैं हमेशा नहीं लेते हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत खराब लगता है। जो भी मैनेजर बैठे हुए हैं हम लोग किसानों के नाम पे पैसा खा लेते हैं, तो सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसानों का कपास कभी भी लौटना नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा किसानों के नाम पे ही दे रहा है सबको। और स्टोरेज में ट्रांसपोर्टेशन में जहां भी है आप प्लास्टिक को हमेशा अवॉइड करिए। आपके पास अगर प्लास्टिक मिक्स हो रहा है तो समझ लीजिए कॉटन को हम खराब कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है इसको फार्मर लेवल पे, जीनिंग लेवल पे, सब जगह पे करने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत 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 आपका शुक्रिया शुक्ला जी। और डॉक्टर एस के शुक्ला जी ने कितनी अच्छी तरह समझाया, एक एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट चीज को देना है वो दिया। तो किसान भाई और एफपीओ के डायरेक्टर्स आप जो इसको देख रहे हैं, कितनी छोटी सी बातें हैं, नजर हटी और दुर्घटना घटी, इन सब चीजों को अवॉइड करना क्या इतना मुश्किल है। पानी और मिट्टी कपास के लिए खेतों में जितनी जरूरी है उतनी ही वो उसके दुश्मन है खेतों में से निकलने के बाद, तो इस चीज को बहुत अवॉइड करना है। और आपको भाव में 1 रुपए की भी कटौती ना हो इसके लिए तो आपको इससे बच के ही रहना है।